हाँ तो मेरे भाई क्या हाल चाल, जय श्री राम। और तो भाई कैसे हो आप लोग, और भाई कैसे चल रही है आप सबकी रैंक पुश। ठीक है, तो वही आज अपना कॉन्कर हो गया डे 7 में। जैसे कि मैंने बोला था कि 1 वीक में कॉन्कर हो जाएगा, तो भाई मेरा कॉन्कर हो चुका है। ठीक है, ओनली भाई 74 या 76 4-5 मैचेस में, 75 मैचेस में शायद से, वो भी 6 की घड़ी के साथ में पूरा हैकर लाइक। और भाई ये वाला गेम प्ले देखने के बाद मैं पूरा कंफर्म हो जाऊँगा भाई कि ये भाई लीजिट हैकर या कौन सा हैकर हूँ मैं। देख लेला बंदे मेरे को बोल रहा भाई, मतलब जो बंदे नहीं हुआ उनको पता नहीं है मैं यूट्यूबर वगैरह, वो बंदे बोल लेते भाई सिलोपी भाई तू हैकर है, इतना गंदा किल से मार रहा भाई। तो दिखाते हैं इस वाले गेम प्ले में भाई, देख लो मैं किस तरीके से बंदे पहलता हूँ। जो बंदे भाई देखना चाहते हैं गेम प्ले, जो बोलते भाई आप 12-12 13-13 किल करते हो चिकन के साथ में, वो कैसे करते हो यार, दिखा दो एक बार कभी। तो ये वाला पूरा मैंने रिकॉर्ड करा है, तो भाई देख लेना इस वाले वीडियो में पूरा दिख जाएगा आपको। ठीक है, और आज का वीडियो भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर रहेगा कि भाई किस तरीके से क्लोज रेंज में फाइट लेते हैं। एक बंदे ने मतलब आके मुझे डीएम किया भाई क्लोज रेंज में, क्या मतलब कमेंट किया है क्लोज रेंज में भाई किस तरीके से फाइट ले। तो देखो भाई क्लोज रेंज में ना भाई सबसे पहले तो भाई आपको डरना नहीं है सामने बंदा हो तो, और आपके पास एक पावरफुल गन होनी चाहिए भाई। देखो भाई पावरफुल मैं यूएमपी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, यूएमपी या फिर कुछ अलग M4 भी होना चाहिए कम से कम। तो पहले ये देख लो भाई ये बंदे को कैसे फैलता हूँ। तो ये बंदा मेरे सामने था, मेरे पास में था MK और भाई एक रिकॉल भी था, तो भाई इसकी वजह से मैं इससे फुल फाइट ले रहा था। तो भाई देखो बंदे को मैंने बहुत गंदा पेल दिया, और भाई मेरा पे रिकॉल था मेरे लिए मेरे पास में इसलिए। ठीक है, तो वो बंदे बोलते क्लोज रेंज में फाइट कैसे ले भाई। देखो क्लोज रेंज में भाई दिक्कत ये होती है आपका एम, जो बंदे नए होते हैं ना तो उनको भाई एम चिपकाने में बहुत ही मतलब ये इशू हो जाता है कि भाई बंदे पे एम जाता नहीं है। तो देखो भाई इसके लिए आपको एक सोल्यूशन दूंगा मैं, ट्राई करना ये वाला, इससे आपका पूरा एम एकदम बराबर हो जाएगा, क्लोज रेंज भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको ट्रेनिंग में जा करना भाई FAB करना है, और वहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। जो बंदे खड़ा रहता है ना, जो पुतला रहता है ना भाई, उसके ऊपर भाई हेड लगाने का ट्राई करना है क्लोज रेंज में। और ज़्यादा गन मैं बोलूँगा तो UMP और M4 दोनों ही यूज़ करना, बिकॉज ये भाई ऐसी गन है जो मतलब भाई बहुत अच्छी है, जो काम आएगी। UMP आएगी आपको क्लोज रेंज में, और भाई जो M4 वो आएंगी लॉन्ग रेंज में, और क्लोज रेंज में भी अगर एमओ ख़त्म हो गई UMP की तो। ठीक है, तो ये दोनों गन ज़्यादा करके यूज़ करता हूँ मैं हर बार के, यही रहता है। और DPS मिली तो भाई DPS ले लेता हूँ UMP की जगह पे। ठीक है, तो फिर DPS चलाता हूँ क्लोज रेंज में, और ये M4 चलाता हूँ लॉन्ग रेंज में। ठीक है, तो ये दोनों भाई गन फिक्स कर लेना। इसके बाद मैं रिकमेंड दूसरी गन करता भी नहीं हूँ, और मिली तो भाई MK चला लेना भाई, अगर ड्रॉप में मिल जाती है बाई चांस तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई मेरे यहाँ पे पूरा 8 किल कंप्लीट हो चुका था। इधर उधर मैं मतलब जो फर्स्ट जोन में मैंने घुस के बंदे पेल दिए, बॉट वॉट कुछ एक ही बॉट मिला वैसे तो, बाकी सारे रियल बंदे मारे भाई जितने भी मारे उतने। ठीक है, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो भाई इसके साथ मेरा 8 किल कंप्लीट यहाँ पे हो चुके थे। और भाई ये वाला क्राउन 1 का गेम प्ले होगा शायद, हाँ क्राउन 1 का गेम प्ले ये वाला। और इसके बाद में मेरा कॉन्कर हुआ था, नहीं इसके बाद में नहीं हुआ था, इसके बाद में तो और एक गेम खेला था शायद मैंने, 1-2 गेम खेले थे वो। तो भाई ये रिकॉर्डिंग उस टाइम की है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखाना चाहता था भाई मतलब किस तरह से बंदे पहल रहा हूँ ना, तो बंदे बोलेंगे यार तुम तो गलती कर रहे हो यार कुछ सीन, तो ऐसे कुछ बंदे बोलते थे मेरे को। तो भाई देख लो आज का आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और भाई जो बंदे नए आए चैनल पे सब्सक्राइब ठोक दो, और भाई बेल वाला बटन दबा के लाल कर दो। ठीक है, और जिन बंदों को पेड़ पुश करना हो ना तो भाई ये DM कर दो इंस्टा पे, मैं आपको वहाँ पे ही बात करूँगा जो भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इंस्टा पे DM करो, और भाई टाइम पास करने मत आना बिल्कुल भी। तो मैं टाइम पास मतलब जो करने आएंगे भाई उसके बाद बहुत ही गलत होगा यार, गलत तो क्या होगा यार, होगा भी कुछ नहीं, वो आएगा टाइम पास करके तुम चले जाओगे। बट यार आपको बहुत ही मतलब भाई मेरा श्राप लगेगा, याद रखना मेरा श्राप लगेगा, आपका कॉन्कर नहीं होगा। ठीक है, अगर टाइम पास करने आते हो तो, पूछने आते प्राइज़ व्राइज तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा। बट टाइम पास करने आओगे ना तो भाई सही मैं बात कर रहा हूँ आपको, आपका श्राप लगेगा भाई यूट्यूबर का। ठीक है। आपको इतना गंदा शराब लगेगा, आपका कॉन्कर ज़िंदगी भी नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। याद रखना भाई, बस टाइम पर, बिकॉज भाई पूरा मतलब सन्नाटा हो चुका है भाई, मेरा दिमाग का मतलब भरता बन चुका है अभी तक जितने बंदा है उतने, ठीक है। तो अभी देखो भाई, मैं बस एंडिंग में ना ढूंढ के बंदे पेलने का ट्राई कर रहा था, ठीक है। मतलब जहाँ पे मेरे को बंदे स्पॉन होते दिख रहे थे उनको बस देख के पेलने का ट्राई कर रहा था, ठीक है। अभी इस टाइम पे आप क्या कर रहे होते, अगर मेरे जगह पे आप होते जो नए बंदे, तो वो अभी होल्ड करके बैठते किस जगह पे, ये करते वो करते, बट ऐसे हुए बंदे सोचने वाले हैं नहीं। जो बंदे भाई थोड़ा सा मतलब फाइट लेने का ट्राई करके उसके मैं बंदे पेट हो चुका हूँ। तो भाई देखो इसको भी गिरा दिया बहुत गंदा गाड़ी से। तो ये भी बोल रहा था भाई ये भी गड़बड़े बंदा है, ये भी मेरे को स्पेक्टेड कर रहा होगा। बहुत सारे बंदे रिक्वेस्ट डाल देते भाई इतने का सारे किल्स करने के बाद में, ठीक है। तो भाई अभी इधर से गाड़ी घुमाते जल्दी से, और भाई अपने को चाहिए अभी भी चिकन चिकन करना बाकी था। तो यहाँ पर मैं गाड़ी लगाता हूँ और भाई यहाँ पे लेट जाते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा से बंदे बचे थे। तो भाई स्मोक भी कर लेना आपका, मतलब पीछे आगे कर लेना, लास्ट जोन में स्मोक बहुत काम आता है। तो भाई तो 4 स्मोक करके लेना पास में। तो अभी मेरे पास था बट मेरे को दिक्कत चाहिए नहीं था, बस मेरे को हिल किट मारना था स्टार्टिंग में। तो और भाई बाद में मैं बंदे स्पॉट करना स्टार्ट कर जाता हूँ, बट इतना बड़ा मेरे पास में पत्थर था तो मेरे को ज़रूरत नहीं थी स्मोक करने की, ठीक है। अगर वही ओपन में हो गाड़ी बग्गे के पास में, बग्गे गाड़ी गिड़ी के पास ही आपके पास में, तो भाई स्मोक करके बस लेट जाओ, तो कोई मारेगा नहीं आपको शायद से भाई। और कोई बंदे मतलब बस नो ग्रास वाले बंदे भाई वो बहुत गंदे पेल देते यार लास्ट में, एंड्रॉइड वाले बहुत ही अट्रैक्टिव बंदे भाई। तो और बंदा छोड़ता है। तो भाई देखो बचा था अभी एक बंदा, और यहाँ पे 12 किल मेरे हो चुके थे। तो भाई अभी लास्ट बंदे को पेलना बचा था बस, और उसको पेल लिया था भाई, और एकदम तो मस्ती कंटिन्यू होने वाला था, ठीक है। तो भाई आप भाई कुछ इस तरीके से कुछ अलग सोचने का ट्राई करो यार, ठीक है ना। बंदे भाई कुछ अलग सोचते हैं, आपने क्या कुछ थोड़ा सा छुप छुप के खेलते हो। मैं उस टाइप का नहीं सोचता, मैं भाई बंदे किस तरीके से पेलने भाई उसको सोचता हूँ, और आप सोचते हो भाई किस तरीके से टॉप 10 होगा बस, ठीक है। मतलब आप भाई प्लस को देखते हो, भाई मैं प्लस नहीं, मैं किल्स के लिए भी देखता हूँ, बिकॉज अगर किल्स होंगे तो भाई प्लस होगा, और बस प्लस के चक्कर में पड़ोगे ना तो भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो किल्स भी करो भाई, थोड़ा किल्स करने का ट्राई करो, थोड़ा प्रो प्लेयर बनने का ट्राई करो, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ से मैं सर्कल में निकल रहा हूँ, और भाई यहाँ पे बंदा आ जाता है सामने, तो भाई इससे कैसे बाइट लेते थे वो जोन के बाहर ही मरता है, वो क्या सीन होता है देखो आप एक बार, आप देखो भाई क्या सीन करता है ये बंदा सही में। इसको ऐसा बंदा भाई ज़िंदगी में नहीं मिलेगा आपको, देख लेना ये बंदा सीन क्या करता है, मरता कहाँ पे। देखो देखो भाई ये हो ही ना बात भाई, ये क्या था भाई, अरे प्रभु ये क्या था, ये क्या कर दिया बंदे ने, खुद ही आत्महत्या कर ली मेरे। तो ये बंदा घूम के आया था पीछे से मेरे को मारने के लिए, लेट लेट के आ रहा था, कैसे आ रहा था पता नहीं, ठीक है। ये बंदा भाई जोन के बाहर ही मर जाता है, इतना टट्टी गेम प्ले भाई उसका सही में भाई, शर्म आनी चाहिए बंदे को भाई, इस तरीके से कोई खेलता है क्या यार कोई। तो भाई देखो इसमें मेरे को क्राउन 1 पे बहुत सारा प्लस मिल गया, मतलब 36 का प्लस, जो कि भाई ठीक ठाक है, ओके भाई कोई बात नहीं। बस इससे भी ज़्यादा चाहिए था, 40-45 का प्लस चाहिए था इधर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, होता रहता है। तो भाई देखो आपका भाई आ चुका था उस टाइम पे की बात है ये, तो ये आ गया था मैं 63 पे उस टाइम पे, ठीक है। तो कोई बात नहीं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा टाटा बाय बाय, सी यू गाइस। और कैसा लगा वीडियो मेरे को कमेंट करके बताना जरूर। हो गया केड़ी देखो भाई एकदम तगड़ी केड़ी बना के बच्चे हैं बंदे ने भाई, आधी धूप ने हैकर है भाई। तो कोई बात नहीं भाई, बैन हो जाएगा मेरा शराब पे लग जाएगा इसको भी, ठीक है। तो मिलते भाई नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा टाटा बाय बाय, सी यू गाइस।